नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, मेरे आज के इस वीडियो का जो टाइटल है वो टाइटल है आयुक्त गंगाधरन डी के काले कार्यकाल का खुलासा। अब आप सोच रहे हैं कि आयुक्त गंगाधरन डी तो वसई विरार महानगर पालिका से जा चुके हैं, कम से कम 7-8 महीना हो गया, मैंने आज ये विषय क्यों छेड़ा। तो मैं आयुक्त गंगाधरन डी के कुछ ऐसे कारनामे आज उजागर करने वाला हूं, बताने वाला हूं। आपको सभी को मालूम भी है, लेकिन उस पर रोशनी फिर से डालने वाला हूं कि उन्होंने क्या हमारा फायदा किया तो क्या नुकसान किया। तो सबसे पहले आयुक्त गंगाधरन डी जो वसई विरार महानगर पालिका में आए थे, काफी डेंसिंग उन्होंने अपना एक रवैया बताया कि मैं इतना डेंसिंग हूं, और रवैया दिखाने के बाद में उन्होंने मनमर्जी शुरू कर दी थी। उसी मनमर्जी में कोविड का पीरियड था, मार्च 2020 में यहां पे आए थे वसई विरार में, कोविड का पीरियड था, और उस समय में थोड़े ही टाइम बाद उनको प्रशासक का दर्जा भी मिल चुका था। तो प्रशासक बनने के बाद में आयुक्त सुपर पावर बनकर अपने आप को सब कुछ समझने लगे। इस बीच में उन्होंने जनता का भला कुछ किया या नहीं किया, लेकिन नुकसान काफी किया। सबसे पहली चीज आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वसई विरार महानगर पालिका ने सैनिटाइजर छिड़काव के लिए एक मशीन मंगाई थी। हालांकि उस मशीन को मंगाने और नहीं मंगाने को लेकर विवाद है। वसई विरार महानगर पालिका में जब आरटीआई फाइल की गई थी तो वसई विरार महानगर पालिका ने यह जवाब दिया था कि यह मशीन हमने नहीं मंगाई। वो मशीन दरअसल मंगाई थी नालासोपारा विधायक क्षितिज ठाकुर ने, और वो मशीन सैनिटाइज करने के लिए, क्षेत्र को सैनिटाइज करने के लिए मंगाई गई थी, जिसका उपयोग भी तब किया गया। लेकिन बाद में जब कंपनी को पैसा चुकाने की बात आई, तब गंगाधरन डी ने, विधायक क्षितिज ठाकुर ने यह बोला ये महानगर पालिका में आई है, महानगर पालिका इसका भुगतान करे। तब गंगाधरन डी ने बोला हमने ऑर्डर नहीं दिया, हमने नहीं मंगाई, हमको नहीं चाहिए, और कंपनी को पेमेंट नहीं हुआ। तो कंपनी अपना मशीन, अपना वो जो ट्रैक्टर और टैंकर जो था वो लेके चली गई। आज वो वसई विरार महानगर पालिका में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अब वो सैनिटाइजर छिड़काव की जो मशीन थी, अगर उसका वसई विरार में उसको रखा जाता, उसका इस्तेमाल किया जाता, तो शायद जो मच्छर और उसके छिड़काव के लिए दवाई छिड़काव के लिए जो मशीनें लगती है उसका इस्तेमाल उसमें किया जा सकता था। लेकिन आयुक्त गंगाधरन डी को यह नहीं समझ में आया और उन्होंने उसको लौटा दिया। फिर बात करें वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत, आयुक्त गंगाधरन डी ने दिमाग लगाया अपना सुपर पावर वाला, और धड़ाधड़ एक के बाद एक, एक के बाद एक 17 हैंडवॉश स्टेशन बनाया। हैंडवॉश स्टेशन का क्या स्थिति है आज में आप सभी को मालूम है। सभी हैंडवॉश स्टेशन कचरे का पात्र बने हुए हैं, और वहां पर न नल है, न पानी है, न कुछ सुविधा है। एक हैंडवॉश स्टेशन पर 3.5 लाख का खर्चा हुआ था, 60 लाख रुपए की बर्बादी हैंडवॉश स्टेशन पर गंगाधरन डी ने की थी। फिर बात करें गंगाधरन डी जी की, तो उन्होंने वसई विरार में आते ही ऐसा समझा कि मैं अमेरिका की किसी स्टेट में आ गया, और यहां की सड़कें काफी बेहतरीन है, तो उन्होंने सड़कों को साफ करने के लिए स्वीपर मशीन का ऑर्डर किया। आज उन सड़कों की हालत यह है कि खड्डों की वजह से स्वीपर मशीन आपको कहीं पे दिखाई दे तो हमें भी बताना, हम भी शूटिंग करने आएंगे। वो स्वीपर मशीन 4 महीने से कहीं पे सड़ रही होगी, पूरा का पूरा ये बारिश का जो सीजन है इसमें स्वीपर मशीन कहीं पे दिखाई नहीं दी। तो ये 3 बड़े काम गंगाधरन डी ने किए, वो पब्लिक को चोट दे गए, पब्लिक के पैसे की बर्बादी की। उसके बाद में बहुत ऐसे काम है, गंगाधरन डी ने अपना केबिन पे 25 लाख रुपए का खर्चा किया था, वो भी जनता का पैसा। गंगाधरन डी ने अपने बंगले घर पे बेफिजूल का खर्चा किया था, वो भी पब्लिक का पैसा। उसके बाद कई अधिकारी आए, इंजीनियर आए, सिटी इंजीनियर, उन्होंने अपना केबिन संवारा, वो पब्लिक का पैसा। कई दूसरे अधिकारी आए, उनके अलग अलग केबिन बनाए, वो पब्लिक का पैसा। यानी कि पिछले 2-2.5 साल में गंगाधरन डी जब से आए थे तब से वसई विरार महानगर पालिका में सब कुछ काला धन काला ही हुआ। इसके लिए मैंने टाइटल पहले ही गंगाधरन डी के काले कारनामे रखा।
एक आईएएस ऑफिसर के लिए इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन आईएएस ऑफिसर को भी क्षेत्र की जनता के लिए जो सही है उसको चुनना चाहिए। लेकिन गंगाधर डी ने सिर्फ और सिर्फ वसई विरार महानगर पालिका के लोगों का नुकसान किया। अभी फिलहाल में जो अनिल पवार साहब है, इनसे अभी इनको आए भी 6-7 महीना हो गया, इनसे हम एक ही अपेक्षा करते हैं कि उन सब जो जो मैंने अभी गिनाए हैं उन सब चीजों की जांच करवाए और उनमें उन मामलों में शासन को रिपोर्ट पेश करे कि ये गलती हुई है, या तो वसई विरार महानगर पालिका सार्वजनिक तौर पर पब्लिक से माफी मांगे। इतना ही नहीं, अगर हो सके तो गंगाधर डी की जो उनकी प्रॉपर्टी है उसमें से पैसा, पब्लिक के टैक्स का पैसा वसूल करे। तो दोस्तों, मैंने आपको गंगाधर डी के कारनामे की जानकारी दी, और भी कई चीजें थी, वो लोगों से नहीं मिलते थे, नहीं, वो अलग मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने पब्लिक का क्या नुकसान किया इसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको भी बताया। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।